जयपुर में गोने रोड पर लुनियावास के पास भावगढ़ का बंधा गधों के मेले की वजह से पूरे देश में प्रसिद्ध है। नवरात्रा में एक सप्ताह के लिए भरने वाले इस मेले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के व्यापारी गधे बेचने और खरीदने आते हैं। कहते हैं कि खलकानी माता के आशीर्वाद से गधे स्वस्थ रहते हैं। खास बात यह है कि गधा मेला जो होता है उसका उद्घाटन करने के लिए कोई मंत्री या नेता बिल्कुल तैयार नहीं होता है। खलकानी माता के यहाँ प्राचीन काल से गधों के मेले भरने का उल्लेख है। आदि काल में देवताओं ने यहाँ ब्रह्माणी माता की स्थापना की थी और भीमा राक्षस को केवल रात के समय में ही सरोवर बनाने का आदेश दिया था। भीमा राक्षस ने खोरी और रोपाड़ा की पहाड़ियों के पत्थरों से सरोवर का ढांचा तो बना दिया था। रात को जाग होने पर देवता वहां से चले गए और गुस्से में यहां 4 दिन तक गधों का वास होने का श्राप दे गए। तब ही से इस जगह गधों का मेला भरता है। भीमा राक्षस ने भी सरोवर में पानी नहीं ठहरने का श्राप दिया था, तभी से इस तालाब में पानी भी नहीं ठहरता। यहां से जाने के बाद देवताओं ने पुष्कर में तीर्थ बनाया और पुष्कर का पशु मेला और खलकानी माता के इस गधे के मेले की तारीख भी काफी मिलती जुलती है। भावगढ़ में राजावत राजपूतों का शासन रहा है। जागीरदार उम्मेद सिंह राजावत ने गधों के इस मेले के विकास में खूब काम कराया। महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने ईश्वर सिंह राजावत को भानगढ़ की जागीर दी थी। वर्ष 1935 के जयपुर एल्बम में भावगढ़ को राजावतों का ठिकाना बताया है। इतिहासकार देवी सिंह मंडावा ने भूर सिंह राजावत को भानगढ़ का जागीरदार माना है। वरिष्ठ पत्रकार बिशन सिंह शेखावत ने राजस्थान पत्रिका के आओ गांव चले में लिखा कि पहले यहाँ पुष्कर जैसा तीर्थ स्थल था और गधों का बड़ा मेला भरता था। आज छोटी सी तलाई बची है। ईंट भट्टे वालों ने मेले की पवित्रता को पूरी तरह से भंग कर दिया है। कन्हैया लाल मीणा लुनियावास के सरपंच रहे हैं, बाद में वो विधायक भी बन गए थे। लुनियावास का नाम लूणाराम बागड़ा के नाम से चल रहा है। लूणा बाबा रैनवाल के पास मींडी नादरी से यहां पर आए थे। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। हम यूं ही आपके लिए अच्छे किस्से और छुपी हुई दास्तानें लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।